राशन वितरण को लेकर सांसद ने की तहसीलदार की जमकर पिटाई, घटना से मचा हड़कंप। जी हां, ये मामला कन्नौज लोकसभा के मुखिया भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार को जमकर पीटा। जी हां, ये मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले का है, जहां तहसीलदार अरविंद कुमार का आरोप है कि मेरे आवास में घुसकर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार की जमकर पिटाई कर दी है। तहसीलदार का यह भी आरोप है कि गलत काम के लिए दबाव बना रहे थे सांसद, मना करने पर मेरे आवास में घुस आए और मारपीट करने लगे, जहां तहसीलदार के गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आला अफसर, वहीं डीएम वाईएसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मौके पर पहुंचे सांसद के समर्थकों की 10 मोटरसाइकिल पुलिस ने की बरामद, मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, किस तरह की घटना है ये? देखिए, यहाँ तहसील सदर के परिसर में, यहाँ पर तहसीलदार साहब का आवास बना हुआ है पीछे। तहसीलदार साहब द्वारा मुझे फ़ोन पर सूचना दी गई थी कि यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद जी हैं, सांसद जी वो उनको फ़ोन पर धमका रहे हैं, किसी प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं, और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा कोई लिस्ट बना दी गई थी, उस पर राशन वितरण नहीं किया गया, जो कि हम लोग रिलीफ वर्क वाला राशन दे रहे हैं, तो उनकी किसी लिस्ट पर जो है राशन नहीं दिया गया। शुरू में बात हुई थी तो मैंने उनको बताया भी था कि हम उसको जो है बात करके वेरीफाई करा करके उसको सुनिश्चित करा देंगे। सर, उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये खबर मिली कि कुछ लोग उनके साथ में आकर के यहाँ पर मारपीट करते गए। तहसीलदार साहब ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके बताया भी कि साहब यहाँ पर मेरे साथ मारपीट हुई है। कौन लोग थे वो तहसीलदार साहब अगर उनको पहचानते होंगे तो उनके विरुद्ध नामजद किया जाएगा। सर, मारपीट हुई थी उस समय सांसद जी मौजूद थे? अब ये तहसीलदार साहब बता सकते हैं बेहतर, क्योंकि मैं उस समय मौजूद नहीं था। क्या है तहसीलदार साहब, थोड़ा सा बताएं हम लोग को, क्या घटना हुई थी? आप जैसा पता चला कि थोड़ा नीचे कर, कौन कौन लोग थे, थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो मेरे मोबाइल नंबर पर माननीय सांसद जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक सूची भेजी थी परसों, तो उस पर राशन वितरण नहीं हुआ है। यही बताया कि वो सूची हमने नायब साहब को दी थी, नायब साहब चिन्हित करके सभी लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो सांसद जी ने कहा किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, तो हमने कहा सांसद सुनो, नायब साहब सूची से वितरित किए हैं, अभी मैं 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ कितने लाभार्थियों को उसमें से वितरित कर दिया गया है, जो बचेंगे उनको वितरित करा दिया जाएगा। तो इतना कहने के बाद सांसद जी जो है गाली देने लगे माँ बहन की। हमने कहा सांसद जी गाली मत दीजिए, कहें आ रहा